तो पता है मैं किसी का डॉक्टर हूँ। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। अरे भैया नए फर्जी है वो, मुझे सुना रहे हो तुम कहानी। अरे भैया तुम महाठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं। तुमने कहा बेवकूफ, मुझे समझ रखा है। भैया जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे महाठगों के लिए कुछ नहीं है। जेल चली गई भाई और पत्नी। अरे आपका एक बेटा और बहू पहले से जेल में है क्या? आ गया 15-50 एक पता है। मान लो जो ग्राहक सब है, जो जनता है, वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? मैंने सोचा कि अब तो मैं करूंगा ही, कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों को। थोड़ा इन आरोपियों से बात करेंगे और उसके बाद CSP साहब डिटेल में प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी चीज़ों को बताएंगे, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, कैसे ये लोग करते हैं और कैसे इनको। 2 मिनट पहले ये कर लेते हैं, 2 मिनट में सब लोग जान जाएंगे तो फिर इनसे पूछताछ करने में भी आसानी होगी। निश्चित रूप से इसको अभी तो प्रोजेक्टर का ही काम है। लाइट थोड़ी देर के लिए सामने वाला बंद कर दीजिए। अभी जो लोग व्यूअर्स हैं जो इसको लाइव देख रहे हैं, प्रोजेक्टर ही बंद कर दिया। उनके लिए भी अच्छा ये एजुकेशनल किट टाइप का है कि वो समझें कैसे धोखाधड़ी होती है। हम धोखाधड़ी के मॉड्यूल को समझेंगे तभी उससे हम बच पाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्रेंचाइजी देने के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा हमारे खड़ा है, हमारे पास सूरज है, ये 100 से ज़्यादा मोबाइल और फेक सिम खरीदा है वारिसलीगंज में किसी एक जगह से। इसने बहुत सारे फेक सिम, का मतलब है दूसरे के KYC पे सिम आता था और ये खरीदता था। 700-750 रुपये से एक सिम के लगते थे। ये स्पूफ वेबसाइट बनाता था। आप जितनी कंपनियों की यहाँ लिस्ट लगी है, इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट जैसी दिखती है पूरी वैसी ही दिखती हुई, लेकिन जो ऊपर का लिंक है वो थोड़ा बदल के बनाता था। तो ये फेक वेबसाइट एकदम वैसा दिखने वाला बनाता था। अकाउंट्स खरीदता था दूसरों से, और इसके बताए अनुसार जो इसे अकाउंट देता था, अकाउंट का कंट्रोल उसी के पास होता था। 50% पैसे वो रखता था, पैसे निकाल के 50% इसे देता था। अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया। हम बहुत सारे प्रार्थियों से बात किए हैं। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाए। 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया है, जो लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। ये इसी चीज़ का समरी है जो मैंने अभी बताया। 5 करोड़ तक की ठगी हुई है और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं। तो कुछ नाम हम लोग देखेंगे। ये तन्मय जैन जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के हैं ये। इन्होंने 48 लाख रुपये KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये सारे लोग पैसे उन फोन और उन सिम के कॉल पे दिए हैं जो इन लोगों से हमें मिले हैं। हमारी टीम को जो भी फ़ोन और सिम मिले हैं, उनसे जो कॉल्स हुए थे उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फ़ोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे, तो उसका डिटेल अभी है भी नहीं हमारे पास। ये वही है जो हम रिकवर कर पाए हैं, फ़ोन और सिम। तो 9 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आपको ऊपर 8-10 लोग दिखेंगे। 1,55,000। तो हमने क्या किया, पिछले 2 दिनों में पूरे इंडिया में सारे प्रार्थियों को कॉल कराया है, तो मैनुअली हमें इतना पता चला है। उसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ होम के पोर्टल में अपना इन्फॉर्मेशन भेजे हैं। वो जब हमें बताएंगे कि और इन्हीं सिम से और इन्हीं फ़ोन से और भी जितने ठगी हुई है, वो जो डिटेल बताएंगे वो भी इस केस में इंक्लूड होगा। वो भी एक एविडेंस बनेगा, साइड एविडेंस बनेगा कि इन लोगों ने उनसे भी ठगी की है। हम तेलंगाना की एक टूल है साइकैप्स को हमने सारे IMEI फ़ोन और सिम के डिटेल दिए थे। उन लोगों ने भी हमें बताया है कि 19 सिम और फ़ोन से किसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो लिस्ट ये है जो अंग्रेजी में लिखी है, जो 12 लाख से लेकर 4,000 वगैरह वगैरह करके उन्होंने 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया है, जिन्होंने पैसे इन कॉल्स पे इनकी टीम को दिया है। ये भी लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास है, जो मिलाकर अभी तक टोटल हमारी जानकारी में 5 करोड़ का हिसाब किताब हमने निकाल लिया है। थोड़ी इनकी तकनीकी पारंगतता हम आपको दिखाएंगे, आप सब स्लाइड में देखिएगा। ये कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका लोगो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिनका फ्रेंचाइजी ये बेचते थे। नहीं, स्क्रीन पे आ जाएगा भाई, सामने तो पूरा मोबाइल। वाव मोमो, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी। आजकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि छोटे छोटे टाउन में हम इन सब का फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हम बहुत कमाएंगे। उस इंटेंट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। आप देखेंगे हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है और बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है, उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है। और पतंजलि को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है क्योंकि पतंजलि भी बहुत एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे खान पान से संबंधित है, 10 तो खान पान के हैं। यातायात संबंधित देखिए, एमजी एक्टर जिसकी गाड़ी है, एमजी एक बहुत शायद जर्मन कंपनी है, कार बनाती है, एमजी का भी कार का इन्होंने फ्रेंचाइजी देने का दावा कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है, जेके टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है, ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने का, तो ये लोग ओकिनावा, एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। तो हेलीकॉप्टर भी बेचने वाले, हाँ ये लोग हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुक कर रहे थे ये। आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं। चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक पूरा चलाते थे ये लोग। क्यों भाई, चड्डी बनियान जॉकी से लेकर इनका एक वेबसाइट प्लेबॉय नाम से भी मिला है हमें। बजाज फिनसर्व ये मतलब लोन वोन का भी करते थे, कार फाइनेंस भी करते थे और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देते थे। इंडियन ऑयल हम श्योर नहीं है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप का दावा करते थे। हमने इंडिकेटिव ग्रुप से इंडियन ऑयल का वहां पे बताएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये टेक्निकल नॉलेज है इनका, ये टेक्निकल टूल्स वो यूज करते थे। गोडैडी, होस्टिंग, ये वो टूल्स है जहां पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं और दूसरे वेबसाइट का थोड़ा नाम चेंज करके यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, मेल होस्ट करते हैं। ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो आईपी को मास्क करता है, उससे जो बंदा होस्ट किया वेबसाइट उसकी आईपी भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सारे टूल्स के बारे में इन्हें पता है और ये सब यूज करते थे। ये बड़े बड़े स्टार्टअप और टेकीज भी नहीं जानते जनरली, इन्हें सब पता है। कुछ वेबसाइट आप देख लीजिए कैसा, ये वाव मोमो का वेबसाइट है जो इन्होंने बनाया है, कॉपी किया है। तो इसका एक टूल है, तरीका है जो अभी इसने बताया है, शायद सर को बताएगा कैसे बनाते हैं। ये है एनर्जी, सिंपल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक का भी है प्लस सोलर एनर्जी का भी है, दोनों काम करती है। ये सिंपल एनर्जी है। ये है आपका एमजी हेक्टर, एमजी एस्टर, ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चेंज, जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया डीलरशिप .in.com, तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूं मैं। 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में, इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज किए हैं। ये 8 पेज है, इतने वेबसाइट या तो इन लोगों ने बनाए हैं या खुद इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये कभी पकड़ा ही नहीं। वैसे टूल्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये समरी है, हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल से सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हमें जो फ़ोन और सिम जब्त हुए हैं उससे हुआ है। और हमें ऑलरेडी पूरे इंडिया से, पुलिस स्टेशन से और प्रार्थियों से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। हो गया। ये जब्ती का एक फोटो है। और यहाँ पे मेरा ब्रीफ जो पीपीटी जो मैंने ब्रीफ जो बताया ये खत्म होता है। सर अब उससे बात करेंगे, वो डिटेल में बताएगा। मैं बैकग्राउंड में ये रख देता हूँ, ये इसकी समरी है, बीच में स्टार बैठा है सर। हाँ, इसके और हटा देते हैं, इसके और भी सहयोगी हैं, हम पता करेंगे और पकड़ेंगे। हाँ बताएगा सब, और ये सब बताएगा कैसे। नहीं, नवादा बिहार, ये अकेला नहीं है, इसके और भी सहयोगी है। अभी हमें पता नहीं चला है, ऐसा लग रहा होगा इतना बड़ा काम इसने अकेले कैसे किया। मास्टरमाइंड यही है, सब बताएगा। आ जाइए आप सामने आ जाइए सर, एकदम शांत रहो। क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, भवानी बिघा। कौन सा जिला है? नवादा जिला है। ये 2 नंबर का काम कब से कर रहे हो? 2 साल से कर रहे हो। 2 साल में कितने लोगों को चूना लगाए हो? कितने लोगों को चूना लगाए हो तुम? याद नहीं है, मतलब तुम गिनती नहीं है तुम्हें। 100, 200, 500, 1000, 2000। हाँ, हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली 1-2 कर लेते थे तुम लोग। कितने लोग थे तुम्हारे साथ जो करने वाले काम? हमारा इलाका पूरा करता, इलाका पूरा करता। अपने इलाके का मत बताओ भाई, तुम अपना बताओ। तुम अकेले करते थे, तुम्हारी टीम में कितने सदस्य थे? चला जाओ भाई, तुमको पता है मैं किस चीज का डॉक्टर हूँ, किस चीज का? हाँ देखे तो हो, कहाँ देखे हो? YouTube पे। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो। दिमाग का इलाज भी करता हूँ, ठीक है? प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो, हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही सही जवाब दो। कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? दो है, रजनीश कुमार है। क्या काम करते हैं रजनीश कुमार? साथ में आप क्या करते हो, वो क्या करता है? क्या देते हो? डाटा। डाटा देने की तैयारी और सिखाई कहाँ से मिली तुम्हें? दिल्ली से सीख के आओ, दिल्ली रिटर्न हो तुम। दिल्ली में कहाँ से सीखे हो? डेवलपर से सीखे हो कि कैसे उसको कॉपी करते हैं, और यूट्यूब से भी देख के सीखे हो। कितना पढ़े हो जनाब? BSc फाइनल। कहाँ से कर रहे थे BSc? हाँ वारिसलीगंज से। BSc का मगध यूनिवर्सिटी से। एक चीज बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करे कब आए? ट्रेनिंग नहीं, कब सीखे दिल्ली में? हमको पहले कोई करता था, वही सिखा। कब? कितने साल पुरानी बात है? 3 साल। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो नहीं सीखोगे मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। मुझे पता ही नहीं है मेरा। अभी 2 साल पहले सीखे हो तुम, उसके बाद क्या किए तुम? आज नवादा आ गए। नवादा में ये काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा स्रोत? कोई दिया, सब करता था तो उसी को। आप भी लग गए, देखा बहुत प्रॉफिट का काम है। तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था साथ में? आप तो इसको बनाते थे, रजनीश क्या करता था? तो ये फोन कौन करता था इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? फोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? फोन वही करता था, रजनीश फोन करता था। रजनीश की आवाज़ इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत लोग को घेर लेता था? केवल वही फोन करता था? और भी पूछूंगा प्रार्थियों से, कोई महिला भी करती थी? केवल पुरुष करते थे? पुरुष करते थे। ऑल मेल टीम थी तुम्हारी। तुम हो गए, रजनीश हो गया, और तुम दोनों मिलके करते थे। टोटल कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना यार, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना तुमको लगता है? 2-2.5 करोड़। हाँ 5 करोड़ से ज़्यादा। इस पैसे करते क्या थे जब पैसे आते थे? हमारे नहीं होते, किसके होते थे? 50% तो जो अकाउंट देता था उसका हो जाता था। किसी किसको और को? रजनीश 30, तुम 20 और वो 50। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20%, 20%। तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। 50-80 कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो भाई, मैथ सिखाते हैं तुमको। कोई बात नहीं, 20% कितना हुआ? तुम्हारे अकाउंट को भी चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में, कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? बाकी निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? खर्च नहीं, उतना ही करना। पेमेंट तुम अपना चला रहे हो, फ्रेंचाइजी, और बोल रहे हो पेमेंट। इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ़ बनाते थे तुम लोग। कुछ शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर क्या? तुम्हें सब करते, तुम भी लग गए उस काम में, और पूरा तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फोन लगाना है ये कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? किसी आदमी को फोन लगाना? कुछ काम हम नहीं किया सर, सिर्फ पेपर मेरे पास था। अरे भाई तुम तो संत आज, पेपर क्यों रख लिए अपने पास? पेपर जैसे कोई कर रहा था, नया काम चालू हुआ, सिखा रहे थे, तुम उसके मेंटोर बने हुए थे उनके। सर जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ, तो हमको भी लगा हम करेंगे, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरते थे तो वो हमको कॉल करता था। जनाब वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के, ये दिखाना। तो वही बोल रहे हैं ना, हाँ हम कॉल करते थे, ठीक है? अरे भैया नए फर्जी है वो, मुझे सुना रहे हो तुम कहानी? दिखाना। हाँ ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये किसने? मेरा है सर। हाँ जो अगला करता था। हाँ कितने हैं टोटल ये? कितने हैं टोटल ये? 240 लिंक है, मतलब कम से कम एक पे एक कोई बेवकूफ बनाया नहीं है। जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब कोई बना रहा, जो जिसका चल रहा था हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे। स्नैपशॉट थोड़ी है, लिंक है, लिंक है, हम भी करेंगे बाद में जो हम नहीं वर्किंग लिंक है तुम्हारा होस्टेड है। अरे सबका अलग होस्टेड है ना सर, हमारे लैपटॉप में है ना। अरे यार लैपटॉप लिंक हम रखे हुए छोड़ दो इसको, पुलिस की सेवा की आवश्यकता है, बिना सेवा के कहाँ मेवा मिला है। क्यों भाई जानकारी ऐसे मिल ही नहीं सकती। तो बिहार से आए हो अभी, छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे, क्यों कि प्यार से ही बता दोगे। बताओ चलो इसके पिताजी बताएंगे, ज्ञान देंगे। तो बड़ा भीड़ टाइप का बंदा है। अरे तुम डोखरा हो, तुम कहाँ इस काम में घुस गए? तो दुकान है टायर का, टायर का दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हो, इंजन तक बनाते हो। तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? हम छोटा बेटा सर अभी मैंने शादी किए ने, पहले रहता था बाहर में, बाहर में वही सीख के आया है गोड़पुरा। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है, उसके बाद शादी के बाद बिगड़ा है। पहले तो अच्छा इंसान था, ऐसा कहाँ शादी कर दी है साहब? जमुई जिला में, जमुई जिला में किए। तो इतना पैसा कमाने लग गया था तो आपको कुछ डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा आज तक कुछ हमको देता 70-80 हजार रुपया हम कमाते हैं सर दुकान से। दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से हम दुकानदारी करते हैं सर, आज से नहीं कहीं से नहीं। तो कहीं इससे पैसा मिलता था? नहीं मिला। कभी लिया आपने इससे? नहीं लिया सर, हम नहीं लिए पैसा, नहीं लिया। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से? गाड़ी उड़ी खरीदा आपने? कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? अपने यही बताइए जनाब। आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा। स्कॉर्पियो खरीदा तो मुँह से आवाज़ नहीं निकल तुम्हारी। हाँ तो बोल तो रहा है सर, इसके साथ आपको भी सेवा चाहिए, बिना सेवा फुल के काम हो जाएगा। कुछ नहीं जानते सर। हाँ तो स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना, कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 5-7 महीना हो गया, 6 महीना पहले। तो आप पूछे नहीं? तो काम तो अभी शुरू किए और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए। स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चलता था, EMI पर, EMI पे है। कितना कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? इसमें दिए हैं 2 लाख और बाकी EMI चल रहा है। इसका स्कॉर्पियो कहाँ है सर? उस समय हमें पता नहीं था कि EMI पे, तो हम जब नहीं किए, नेक्स्ट टाइम में करेंगे। वहाँ तो स्कॉर्पियो का एक दस्तावेज निकालना। हाँ EMI हमारे पैसे से दिया ना सर, तो हाँ पूरा तो यही जब्ती हमारे पैसों से ही हो रही है। लोगों को चूना लगा रहे हो और स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? हाँ घर पर भी खरीदा क्या? ये इतना पैसा करता क्या था? ये पैसा भी करता है यही बताएगा। अरे पिताजी हो यार तुम। पिताजी हमारे पास कुछ बताएगा तब ना सर। किसको बताता था सब चीज? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, छोटा लड़का, हम दुकान चलाते हैं सर, हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का है। क्या क्या दुकान है तुम्हारा? टू व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं सर, उसका पंचर भी बनाते हैं। पहले साइकिल और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का भी बाइक का ठीक करते हैं। तो अच्छा है, जेल जाओगे तो सब चीज ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत काम पड़ेगा, करते हैं तो आप झूठ थोड़े पड़ेंगे। इधर आ जाओ। मेरे पिताजी को तुमने भावुक कर दिया बिल्कुल। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट दिया, इतना पैसा तुम्हारे पास है। और क्या करते थे भाई इन पैसों का? पूरा पैसा नहीं आता था मेरे पास, तो थोड़ा ही आता था, लेकिन लोग का तो पूरा चुना लगाते थे ना आप। डेली किस समय शुरू करते थे ये फोन लगाना लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फोन? शाम को 5-6 बजे तक। मतलब 8 घंटे डेली फोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते हैं। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट। 480 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से। कम से कम 100 ग्राहकों को डेली चूना लगाते थे आप लोग। हाँ नहीं फिर क्या, मैं क्या गणित का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या सर? इतने पढ़े लिखे लोगों का प्रोसेस क्या था? कैसे बात करते थे? बात पूरा प्रोसेस बताओ। नहीं ऐसे नहीं, मैं कस्टमर। रुको आपको कॉल, चलो इसको फोन पकड़ाओ जरा मेरा। चलो रुको यार, क्यों परेशान हो? नहीं मैं लगा रहा हूँ ना अपने फोन पे। KFC ई-बाइक का फ्रेंचाइजी लेंगे। चलो चलो लगाओ फोन, बताओ बात करो कैसे बात करते थे। चलो कौन बात करते थे? चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे, जेल में साथ में रहेगा, दोनों फोन फोन खेलना वहाँ पे। सर ये सब के बारे में पूछिए, क्या यूज करता था, थोड़ा टेक्निकल बताइए। तुम थे ना, तुम करते क्या थे वहाँ पे, भी समझने मिलता है तुमको? ये सब बताओ एक एक करके, क्या है गोडैडी क्या करता है? जोर से बोलो, क्या होता है उसमें, सबको बताओ करते क्या। एग्जाम्पल बताओ, केएफसी में क्या डोमेन लिए थे? .co.in। क्लाउडफ्लेयर क्या करता है? किसी सर्वर को, मतलब मेन सर्वर को दिखाना नहीं, छुपा लेता है मेन सर्वर छुपा। ये चीज बताओ मुझे, यदि ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए उनको? मान लो जो ग्राहक सब है, जो जनता है, वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा। कैसे पता कर सकते हैं? वो YouTube पे देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है उसको प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको YouTube में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फ़ाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो। एक तो ये कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं? ऑफिस मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो एड्रेस से ये लोग बना के देते हैं उसमें एक या दो लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड का डोनल्ड के आगे एफ लगा देंगे, मैकडोनल्ड, बाकी सेम रखेंगे। तो जब हम खोलेंगे तो हमें आँखों का झांसा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही साइट है। उसके अंदर वो सारे पेजेज वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है। यही है ना भाई? हाँ। कैसे बनाते थे? वेबसाइट टूल बताओ। कुछ अंतर रहता होगा क्या चीज? .com, .in वो जनरली नहीं करते हैं, उसमें लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन इसका भी जैसे बाकी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह, या कुछ ऐसा। क्यों भाई, कैसे बनाते हो बताओ जरा जनता को, कैसे बेवकूफ़ बनाते हो? दो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता है गूगल पे, वो जो है खरीदना पड़ता है। जैसे मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, तो जो अवेलेबल होगा उससे बिल्कुल नज़दीक हो, उसको ये लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई? और ये 8 घंटे बात करता था रजनीश, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई? वो क्या छिप के थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे। अपने जगह और तुम अपने जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते थे रह के। तो तुम्हारा काम था बना के दे देना, और बेवकूफ़ बनाना उसका काम था। सर इतना बड़ा अमाउंट जो लोग लेते थे तो करंट अकाउंट में लेते होंगे ऑब्वियसली। नहीं, सेविंग में लेते थे भाई। तो देने वाला फिर वो कैसे? एक हफ्ते में फेंक देते थे, इनके पास हजारों अकाउंट। टोटल कितने अकाउंट थे तुम्हारे पास? एक ये इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते थे? KFC का बताओ, पहला क्या था, कितना? 1,55,000 रजिस्ट्रेशन पता है तुमको, फिर बोलो दूसरा आदमी को। दूसरा इंस्टॉलमेंट बताओ क्या? 7,75,000 क्या बोलकर, एनओसी के लिए। तीसरा लाइसेंस फीस, कितना? 15,50,000। एक पता है तुम्हें। चौथा आते हो, प्यार आए तुम्हारे ऊपर। चौथा बताओ, तुम जनता को इतना नुकसान कर रहे हो। 2 पेमेंट से ज्यादा कोई इंसान एक ही तो देता था। तीसरा पेमेंट से आगे 48 लिए हो तुम। देखो मैं तुम्हें अंतिम बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जो साहब पूछ रहे हैं प्यार से बताना, नहीं तो मुझे यदि गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना, यादाश्त परमानेंट चली जाएगी। फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग पर लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे तुम, ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे, ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी, समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही सही जवाब दो। KFC का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लियो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो? टूल छोड़ दे, कॉपी कर लेते हो ना ST ट्रैक से। सब टेक्निकल नॉलेज बताया। नहीं टेक्निकल नॉलेज जनता को उससे फायदा है। कैसे वो कैसे ठगी से, इनके जैसे ठगों से कैसे बचे, महा ठगों से, वो है। वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे? सर्टिफिकेट यूज करते। और मान लो कस्टमर एक इंस्टॉलमेंट दिया, फिर देने को तैयार नहीं हुआ, फिर क्या करते थे तुम लोग? कुछ पेमेंट तो किसी का कस्टमर वापस भी किए हो। क्यों? अरे भैया तुम महाठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं, तुमने कहा बेवकूफ मुझे ही समझ रखा है। भाई इसको प्रॉपर सेवा दो। नहीं बोल रहे कुछ के किया सर, कुछ के नहीं किया, कुछ के नहीं किया। कितनों के नहीं किया नंबर तो बताइए, तुम टोटल सही कितना किया है तुमने, कितने लोगों के साथ किया है? मतलब 50, 100, 200, 500, 50 से ज्यादा मिले मुझे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तुम्हारे तुमने कितना किया है? 50, चलो 50 भी मान लो। एक को ठगी कितना करते थे करीब? उसके हिसाब से जो अगर नहीं फर्स्ट अमाउंट में ही चला जाता है। फर्स्ट में तो खींच लिए ना यार तुम 1,55,000। मतलब 5 करोड़ 1.5 साल में ठगी कर लिया है जनाब ने, तब भी कोई शर्म नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस तुमने 1.5 लाख ली है, तुम्हारे इंडिविजुअल नाम से देने वाला पूछता नहीं तो KFC को देगा ना, तो वो उसी में तो है कि अगर कोई अकाउंट नंबर रमेश कुछ बताओ में है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक करा लिया तो नहीं किया। ये क्या है सुनो ना आप, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार इनका हेल्पलाइन चलता था। नहीं सर वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे हम KFC की मान लीजिए आपने नहीं दिया छोड़ देंगे आपको, दूसरे को फोन लगा देंगे। अकाउंट नंबर ये रमेश राजेश का बताते हैं, KFC नहीं दिया छोड़ दिया दूसरे में लग गए। अरे यार एक आदमी में 5 मिनट की मेहनत है, सुबह शाम तक 500 लोगों ने मेहनत किया, 500 में एक आदमी तो बेवकूफ जन्मजात है मुर्गा, क्या हम भी बन जाएंगे यार? किसी ने ध्यान नहीं दिया बन गए। यदि हर आदमी सतर्क हो तो ठगी ही ना हो। ये लोग बेसिकली सुबह ऑफिस बनाए थे क्या कहीं ऊपर? ऑफिस कहाँ बनाए थे भाई? वो रमेश दोस्त का नाम क्या रजनीश, वो कहाँ ठगी करता था? वो एक ही नंबर कितने नंबर यूज करता था? वो मोबाइल से करता था, लैंडलाइन से। मोबाइल सिम का रेट पूछे ना, सिम का रेट कितना था भाई? 750। एक ठगी में कितने एक सिम, एक ठगी के बाद उस सिम को फेंक देते थे। 2-4 लोग को बेवकूफ़ बनाने के बाद नया सिम। ये BSc फाइनल तक है। ये रिस्क उनके ऊपर कार्रवाई की गई है सर? ये सब बताएंगे करने के बाद बताएंगे, अभी ज्यादा सब होगी। अभी क्या किया गया क्या किया जाएगा? दोबारा कुछ पैसा बचा है कि सब खत्म उड़ा दिया तुमने? सब उड़ा दिए। पूरा गांव फ्रॉड करता था, बिहार पुलिस पकड़ती नहीं। वो पे ना जाते, इस पे नहीं जाते, ये तो केस पे रहते हैं, केस पे रहते हैं। पुलिस हमेशा कोशिश करती है पकड़ना, इतना मुश्किल है इनको बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गाँव के लोग? ये बताओ जरा, पुलिस जाती है तो क्या करते हैं गाँव वाले? बच जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ भागते हो? कैसे भागते कैसे पता चलता है? कैसे मालूम चलता है? नहीं और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भागने लगते हैं, पूरा गांव भागता है। और सही बोल रहे हो तुम तो, ठीक है। तुम गाड़ी देखते हो और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? गाँव में ही रहते हो, पुलिस पकड़ को नहीं पाती? पता नहीं। कितनी बार पुलिस आई है तुम्हारे लिए? कहाँ से? बिहार से। और दूसरा छत्तीसगढ़ पुलिस को तुम कैसे पकड़ा गए? तुम हिमाचल से? हिमाचल से तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए? आई थी, तुम गए नहीं, तुम तो महाराजा साहब हो, तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को, इसमें आ रहा हूँ पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? और वाइफ चली गई थी, जेल चली गई, भाई और पत्नी। अरे बापू जी आपका एक बेटा और बहू पहले से जेल में है क्या? आ गया सर के कारण गया। अरे जनाब बताए नहीं, आपका पूरा घर पूरा तेज है। इसको कितना हम मना करते थे लेकिन मानते। कब जेल गए? 2 साल पहले। उसके पहले भी काम कर रहा है ना ये तो, मतलब पहले 2 साल वही काम किया गया तो सर। ओहो अब समझा, वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर दिया। समय पकड़ाया ना सर, तो ढेर सा पैसा हमको जितना भी ढेर सारा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके। किसको दे दिया? पुलिस वाले, वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? पैसा घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था 7-8 लाख रुपया घर से हमारा दुकान था जो लेकर के चल गए। तो वही कारण है कि काम करने लगा सर। पहले तो फिर गरीब था, जब देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे हैं। छापा पर आ रहा था तो मेरा सब उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता, लेकिन तुम भी करता ही था ना, पैसा नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई के घर में छापा मारने लाया, इसको लेकर के चल गया। उस समय हम काम कर रहा था, बदनाम हो गए। तो उसी समय से काम कर रहा था, बदनाम हो गया। तो भाई बदनाम हो गया, काम नहीं करना चाहिए, उल्टे काम में लग जाना चाहिए। अरे भैया नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ना, जेल जाने के लिए काम कर लिया। नहीं करते थे तब भाई और बीवी गया, भाई भी बिना किए नहीं गए जनाब, बता रहे हैं करते थे। तो तुम भागे क्यों थे, भाई बीवी क्यों गए, तुम भाग गए थे? घर से उठा करके पूरे घर को उसे चले छोड़ो, चलो केस पे नहीं जाते। पापा की दुकान में उठा के आप समझ सकते हैं, एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में फिर कर रहे हैं सर। जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? ये साहब गए थे तो उस टाइम नहीं कर रहा है सर, छोटा बेटा कर रहा है सर। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। रात में भगाया सर उसको, बाद में पकड़े हम लोग। गांव में ये भाग गया था, 2 दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी आप छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखी ही नहीं है जनाब, आपका कुछ नहीं करते। आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को, उसकी बहू को ऐसे ही लेके गए। घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही पकड़ा गया। अभी तो करवे करता है, अभी तो करवे करता है, तो रोकना चाहिए था ना। उसको तो बोले, लेकिन हमको आज तक तो पूछे तो दिया है दुकानों में का को पैसा। हम अपना पैसा से दुकान 20 साल से हम सब दुकान करते हैं। मैं विश्वास है देखो, बच्चा हमारे बारे में जानता है, चलता बच्चा जानता है, तो बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। समझाए तो करते हैं सर, आप लोग समझाइए रहे तो, लेकिन समझिएगा तब। अरे भाई समझाता था क्या ये, क्या चीज अब से नहीं करोगे, अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन निकले 20 साल 50 साल 50 साल, तुम भाषण बहुत देते हो। नवादा जिला में देते हैं सब, वैसे ही है वहाँ। तो तुम खुद किस्मत हो, हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम कदम पत्नी को बचा लाए। बड़े भाई हम ही है, छोटे भाई की पत्नी गई है, इसकी पत्नी और छोटा भाई इसकी पत्नी गई है सर। अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार चुकी है, ये भाग जाते हैं। अरे भैया क्रॉस घर में नहीं मारा सर, बगल वाला घर में जिसका एक। अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया, भाई छोटा पत्नी तुम्हारी, जमात हो गया क्या दोनों को? हाँ सर हो गया, गांव में है सर, अब गांव में है। छोटा भाई इस कहानी बारे बताओ यार, कैसे कैसे हो गया। छोड़ दो यार, क्यों परेशान, क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते, बाकी तुम पूरा वेबसाइट बना दिए, बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या मालूम। बचने का उपाय बताएगा पुलिस जो कैंप है, तो कैसे इनको राउंड अप कैसे किया गया? हाँ ये बताएंगे प्रभात, कैसे इनको घेराबंदी किया गया। वो हम लोग एक बार टीम के साथ बैठेंगे, बता देंगे, पूरी टीम बताएगी क्या किया सर। इसके छत्तीसगढ़ पुलिस को देख के क्यों नहीं पहुंचे? अरे भाई भाग गया था यार, 2 दिन बाद पकड़े हैं, बोला तभी तो ये तो भाग गया था। अरे रजनीश कहाँ रहता है, वो उसका काम उसी वहीं पर है, उसको भी गिरफ्तार करेंगे, जवाब देंगे, जिससे हमारा फ्यूचर का प्लान ड्रॉप करेंगे यार। जो बताना था हम बता रहे हैं, और बाकी सब हम तब बताएंगे जब आओ यार। तो तुम्हारा पूरे गांव में लोग ठगी करते हैं, सीरीज है ये, बड़ा फ्रॉड है। ठग से लोग कैसे बचे? एक तो है कि वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से देखें, और क्या कर सकते हैं, गलती हो गई यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और हाँ म्यूट कर देंगे, सही से चेक, अकाउंट सही से चेक करना चाहिए। तुम लोग कौन कौन थे राज्य के लोगों को फोन लगाते थे? कोई पता नहीं, नंबर कहाँ से मिलता है तुम लोगों को कॉल लगाना? गूगल पे, अरे वेबसाइट बनाया, उसमें नंबर डाल के रखा है, लोग खुद कॉल कर लेते थे। देखिए इसमें सिंपल है, लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी ऑथराइज्ड कंपनीज है ना, वो अपना पेमेंट सिक्योर पोर्टल से कराती है, जो ऑनलाइन पोर्टल्स होता है, सिक्योर होता है, जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। कोई P2P पेमेंट वैसे नहीं कराते कि आप इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लीजिए, वो ऑथराइज तरीके से पेमेंट कराती है, वेबसाइट होता है उनका, वेबसाइट के थ्रू उनके PayU पोर्टल वगैरह से कराती है। ये लोग पर्सनल अकाउंट में मंगवाते थे, वो सेफ और सिक्योर है और उसमें फ्रॉड बाद में डिटेक्ट भी हुआ तो फिर वो पैसे रिटर्न भी होते हैं, वो बैंक्स पे भी जिम्मेदारी जाती है। ये इतने ई कॉमर्स यूज करते थे क्या? ये पैसे तुम्हारे घर से ही मिले क्या? ये पैसे घर से मिले? इधर हो तो तुम कैश क्यों निकालते थे? कैश कहाँ से निकालते थे? वही 50 कैश ला के देता था। अरे भाई कोई से निकालते थे? कोई नहीं नहीं, वो जो बंदे का अकाउंट होता था वो 50% खुद रखता था, बाकी 50% अकाउंट का कंट्रोल इसके पास नहीं था, अकाउंट वाले के पास था। पैसा लाना उसकी जिम्मेदारी थी और लाके इनको होम डिलीवरी होता था कैश का, इसको इसका हिस्सा मिलता था, इसको अकाउंट नहीं जाना लेना, खर्चा को था नहीं। 5-10 हज़ार में वेबसाइट बन जाएगा, सुबह से शाम तक फोन, 200-400 रुपये में 200-400 रुपये में वेबसाइट बन जाएगा, सुबह से शाम तक फोन करना है। एक मुल्ला भी मिल गया, वो बेचारे का 10 लाख गया, इनका काम हो गया। अपने प्रार्थी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया था, इसलिए वो 1.5 लाख और 7.5 लाख 9-9.5 लाख हुआ था। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं वो 48 लाख रुपए दिए हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में 22 लाख होते हैं, 22-24 लाख। कुछ लोग 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, आप देखे थे। 1.5 के बाद 9.5 है, फिर 12.5 है, फिर 48 है। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा उसका उतना कम नुकसान हो। टोटल कितना बोलते थे तुम बताओ, टोटल कितना अमाउंट होता था? फाइनली 10 इंस्टॉलमेंट के बाद टोटल जो हम तुम लोग देते थे ना प्लान, कितना का देते थे? 60-70 लाख। KFC का बताओ कितने का था? 96 लाख। ऐसे बोलता है 96 लाख जैसे 96 रुपए है भैया, जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे वहाँ ठगों के लिए कुछ नहीं है। तुम लोग सबसे ज्यादा किसको काटे? लोगों की गाड़ी कमाई निकल जाएगी 96 लाख में। यूपी का 48 लाख है अभी तक, हमें इतना ही पता चला। अरे ये बहुत भीड़ टाइप का आदमी देख नहीं रहे हो, चेहरे पे कोई इसका शिकन नहीं है, इसको सारी टेक्निकल नॉलेज है, ये पूरा असामाजिक तत्व है। सर ये सीखा कैसे? हाँ बताया तो था, मास्टर ट्रेनर दिल्ली का। सर आप लोगों की टीम कहाँ पे ट्रेनिंग दी और कैसे पढ़ाई की? अभी और पकड़ना है ना यार, साइबर फ्रॉड पकड़ना बहुत। तो बहुत अच्छे से करते। कभी जेल गए हो पहले तुम? पहली बार जेल जाओगे। अच्छा एक बार तो पुलिस कभी पकड़ी इससे पहले तुमको? नहीं, भाई पकड़ भाग गया था ना, उसकी पत्नी को ले गए थे। ये पहला एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कितनी अच्छी खातिरदारी करती है। ये नहीं है अभी आज ही आया है। हाँ आज ही आया तो खातिरदारी। तुम्हारी पत्नी क्या बताई जेल के बारे में? कितनी जेल रही हो? 14 दिन में बेल करा रही है। गुड सर, कंपाउंड करा लिया था। कंपाउंड कैसे कराया बताओ जरा, क्या हुआ उसको, कैसे छूटे? बेल कराए, कितना पैसा लगा बेल में? बस 35,000 बेल हो गया, दोनों आ गए, दोनों का 35 हो गया, एक का दोनों का। अरे 35,000 में 2 लोग का बेल हो गया, फिर आए, फिर लग गए नए काम में। कुछ खराब नहीं लगा कि जेल गए हम, नहीं करना चाहिए काम? उस समय हम काम नहीं करते, गलत तो ये ना सोचा कि अब तो मैं करूँगा ही, कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों को ठगूंगा ही। तुम्हें कभी 2 मिनट लगा? 35,000 ही खर्च हुआ ना, खर्च हुआ नहीं है। दुकान से मेरा घर पैसा 7 लाख रुपए ले गए, 7 लाख ले गए। प्लस हम उसको जो कस्टमर से ठगा था उसका पेमेंट भरे थे, तब हमारा बिल हुआ। हाँ ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कितना भरे थे? 15.5 लाख भरे थे। 15.5 लाख भरे, मतलब 15.5 लाख। और आया पैसा कहाँ से आया 15.5 लाख? एक खेत बेचे थे। इधर आओ, इधर आओ, ये मास्टरमाइंड से पूछिए 15.5 लाख कहाँ से आया था? 22 लाख हमें सब बच करके छोड़ा है भाई, सब कुछ तो तुम ही किए हो, एंजॉय ये लोग किए हैं। बस एंजॉय सर, जब खेत हम बेच दिए तब इस काम में लगा सर, उस समय मेरा बेटा नहीं करता। नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, 22 लाख में लग गया तो वो 50 लोगों को ठग लिया। हम ही नहीं कहते सर, नहीं तो आज तक पूछिए कि 1 रुपया हमको देता है, हम 70-80 हज़ार रुपये महीना हम अभी कमाते हैं। दुकान बनाते हैं भाई, हेलीकॉप्टर दुकान है, मोटरसाइकिल का दुकान है, ऑटो फर्नीचर वगैरह सब बनाते हैं। अरे भैया तुमको तो रोकना चाहिए ना इसको, ऐसे काम को हम तो अपने दुकान में ही रख लेते इसको यार। छोटा बेटा तो रखबे करते, इसको भी कह रहे थे रहो, तो दुकान में काम क्यों नहीं करते थे? बर्बाद हो गया था। हाँ उस दिन हमको वही गुस्सा आया कि जो हमारा घर का पैसा चला गया। तो इतना सीख लिया तुम, तो इतने सीख के आए, ट्रेनिंग करने निकल गए। ये तो कहानी अच्छा है, जैसे इसको मालूम चला ये चला गया दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए। क्या भाई अभी बताया दिल्ली में ट्रेनिंग की, बता रहे थे दिल्ली का आदमी था जो डेवलपर, ट्रेनिंग कहाँ किया? गाँव में ही, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। बात तो इसने जैसे ही ये पकड़ा गया, इसकी पत्नी और इसके भाई, तो इसको मालूम चल गया इतना प्रॉफिटेबल काम है, इसने कहा मैं यही काम करूंगा जब तक। कितने लोगों का टारगेट लिया तुमने लूटने का? 1000, 2000, 5000 टारगेट लिया ही होगा ना यार। तो रुक जाऊंगा। गुस्सा कब ठंडा होता? देखो गुस्सा तुम्हारे अंदर था, गुस्सा ठंडा कैसे होता? लोगों को ठग के। तो कितने ठगी के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होता है? शिव जी का गुस्सा भी कभी शांत हुआ ना नृत्य के बाद, तो तुम्हारा भी गुस्सा कब ठंडा होता? छत्तीसगढ़ पुलिस तो अच्छे अच्छे को ठंडा कर देती है भाई, अभी ठंडा तो चलो भाई। गुस्सा इस बात का था कि इसकी पत्नी और इसके भाई, ये तो भाग निकला, पत्नी और इसकी भाई जो है वो ठगी में पकड़े गए हिमाचल पुलिस पे, जिसके साथ ठगी किया था 15 लाख की ठगी, उसको 15 लाख पेमेंट किए तब जाके छूटे हैं। तो इसको मालूम किसने सोचा कि इतने 15-15 लाख का एक आदमी ठगी कर लेता है एक दिन में। इस पंक्चर की दुकान में 70,000 टायर की दुकान में कमाऊंगा, यहाँ तो एक दिन में 70-80,000 कमाऊंगा। इसने खुद माना कि 5 करोड़ इन्होंने ठगी किया है, तो अकाउंट में आ गया अपना डिटेल। 5 करोड़ की ठगी 1.5 साल में हुई, यदि उसका 20% भी माने ये भाई बता रहा है, तो भी कम से कम 1 करोड़ की पैसा इसको मिला है। सर वो 2.5 करोड़ माना है सर कमाया, 2.5 करोड़ तो खुद ही माना है, 2.5 करोड़ कमाया। यदि वो 18 महीने में 2.5 करोड़ कमाया है तो दिन महीने का कितना हुआ आप बताओ? महीने का कुछ भी नहीं हुआ तो 15 लाख रुपए हुआ। अच्छा सर इसमें उन कंपनियों से बात हुई है जिनकी फर्जी अकाउंट बने, वो सब करना है। मतलब अब आप सोचो कोई आदमी यदि 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो कुछ मिनटों का काम करके, दिन में कितने घंटे काम करते थे इसमें तुम? जो टैपिंग का काम महीने में कितने घंटे का काम करते थे? 1-2 घंटे का। मतलब 2 घंटे में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब 1 घंटे का 7.5 लाख रुपए प्रति घंटा की इसकी कमाई थी। इतनी कमाई तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर प्रोफेशनल्स की नहीं होती। सर भवानी बीघा जो एरिया है गांव है, ऐसे टैलेंटेड कितने लोग हैं वहाँ पे? वो पे नहीं जाते हैं। एक सुपर टैलेंटेड हमें मिला है, को गांव को बदनाम नहीं करते हैं। ये बोल रहा तो मान नहीं लेते हैं। नहीं सुपर टैलेंटेड बंदा हमें मिला है जो 7.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से कमाई कर सकता है। आज इसी को सम्मान दे हम। नहीं सर, हाँ सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो वेबसाइट जिनकी फर्जी बनी हुई थी वो इस बात से बेखबर थी, या वो कर भी नहीं सकती ना। अभी आप ही ने कोई वेबसाइट बनाया है उसमें 1 डिजिट चेंज करके कोई बना रहा है तो क्या कर लोगे? सुबह से आप दूसरा वेबसाइट से ही चेक करते रहोगे। मेन है कि जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि वेबसाइट को कंफर्म करें, ऑथराइज वेबसाइट पे पेमेंट करें, ऐसे लोगों के पर्सनल अकाउंट पे ठगी वालों लोगों के झांसे में ना आए। कंपनियों को कुछ अवगत कराया जाएगा। तो हम लोग 2-3 चीजें करने वाले हैं। जिन कंपनियों का ये वेबसाइट बनाया था हमारा उन पे वैसा कुछ लीगल उनका अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लेकिन हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ब्रांड को यूज करके आपके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसके एहतियाती कदम जो भी टेक्निकल आप ले सकते हैं वो लीजिए। दूसरे ये जो होस्टिंग वेबसाइट वगैरह है, होस्टिंग वेबसाइट में इनका उनके नाम का पेटेंट वगैरह का कुछ क्लॉज होता है, तो होस्टिंग वेबसाइट को भी हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप वो क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए ताकि इस तरह के स्कूप अकाउंट्स नहीं बन पाए। तो हम अपने तरफ से दोनों को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका रिस्पांस जैसा है उसके हिसाब से करेंगे, उनका केवाईसी वगैरह देखेंगे कि केवाईसी सारा वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ये जो होस्टिंग करते थे बाहर की कंपनियों पे भी करते थे, सर्वर बाहर रखे थे, इंडिया में रखे भी नहीं थे, बट अपने तरफ से हम सबको कम्युनिकेट करेंगे, वो काम हम करेंगे। पैन कार्ड असली है भी नकली है? ओरिजिनल है। तो पैन कार्ड पर कितना पैसा आता है महीने का, साल का? जो 2.5 करोड़ कमाए हो तो कैश में की हो, तो कैश की कमाई है। देखो ना सारे नए नोट हैं, तो निकाल के लाए होंगे बैंक से। अभी ये बहुत डिमांड में है, बहुत सारी पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया के खोज रही है। अरे भाई बहुत डिमांड में है ये तो, मैं हूँ डॉन टाइप का हो गया है तो। पूरे दुनिया भर की, यूपी के 4-5 पुलिस स्टेशन, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिल और तेलंगाना के, 17 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। वो हमें पता है, अभी तक उन्हें नहीं पता है। लेकिन वो तो पूरे 28 राज्य होंगे, पूरे देश भर में इनका। लेकिन वो लोग, और कुछ लोगों में नामजद आरोपी है। मिर्जापुर वाले केस में ये नामजद आरोपी है, उसके लिए पुलिस आई है, 2-3 बार भागा है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। उसमें इसका नाम, ये तो कहाँ जो सज्जन आदमी हैं, पिछली बार भी इसके चक्कर में बेचारे इसके भाई और पत्नी को उठा ले गए ना। तुम तो भाग रहे हो, लेकिन कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई। छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे पकड़ ली तुमको? हाँ क्या गलती कर दी है तुम जो पकड़ में आ गए? फोन चालू, कौन सा फोन? मैडम कौन मैडम है भाई? ये वाइफ है। देखो उसी के फोन से ठगी भी जना, वो तो किसी को पता नहीं चलता है। कैसे पता चला? वो तो नहीं, वो तो किसी पुलिस वाले को पता नहीं चलता है ना। तुम लोग क्या एहतियात बरतते हो सारा बताओ, तुम लोग पकड़ने के लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो जल्दी बताओ। जो है ट्रैक होता है उसी के ऊपर, नहीं पकड़ा है उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हो सब बताओ, 5 चीज बताओ। तुमको पुलिस नहीं पकड़ पाए उसके लिए तुम भाग जाते हो। क्या सावधानी बरतते हो तुम लोग? फोन बंद कर देते हैं और क्या करते हो? सर्विलेंस में नहीं रहते हो। अरे भाई, और मतलब नेटवर्क में रहते ही नहीं है ये लोग। पुलिस भाई जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता वहाँ भागते हैं। ये लोग जिस फ़ोन से फ्रॉड करते हैं ना उसको एकदम सेपरेट रखते हैं और पर्सनल फ़ोन को सेपरेट रखते हैं। ठीक है, जो फ्रॉड वाला फ़ोन और सिम है वो ये उनका चर्न बहुत फास्ट है। अकाउंट भी हर हफ्ते 15-20 दिन में फ़ोन भी फेंक देते हैं, सिम भी फेंक देते हैं, अकाउंट भी फेंक देते हैं, उससे काम निकल जाता है। वो फोन की दुकान खोल लेते हैं इतना, और उसमें कोई उसकी सारी आइडेंटिटी फेक होती है। केवाईसी सिम का भी फेक है, मोबाइल तो ऐसे ही छोटा सा है, और अकाउंट की केवाईसी भी फेक होती है। तो वो कभी इससे लिंक नहीं हो पाएगा जब तक इनका पर्सनल डिटेल कुछ नहीं मिलेगा। ये इनकी अकाउंटेबिलिटी हट जाती है। अगर इनके घर में फ़ोन नहीं मिला या फिर इनके पॉकेट से नहीं मिला तो ये हमेशा पल्ला झाड़ सकते हैं। देखना यार, एक बार ये कंपाउंडेबल टाइप का ना हो, जेल में रहे कम से कम। और धारा आईटी एक्ट की बहुत सारे धारे जुड़ रही है। हाँ, आईटी एक्ट जुड़े ये फिर लोग बाहर ना निकल जाए। सर 50 थाने लेने आएंगे तो लोग लड़ के मर जाएंगे। अरे इसका तो यार फ्री में पूरा देश घुमाएगा ये तो, मतलब एक जेल घूमेगा। अरे भाई तुम तो ऑल इंडिया रिटर्न हो गया। ऑल इंडिया सर्विस हमारी ऐसी फर्जी है, तुम तो रियल ऑल इंडिया हो। हमारे 2-3 बैचमेट्स कॉल किए कि ऐसा क्या लियो, प्रार्थी आ रहे हैं कितनी दूर में पकड़ लिया। तुम तो फसफूस ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो देश भर में ठगी। लेकिन यार साउथ इंडिया में ठगी कैसे करते थे? वहाँ तो भाषा अलग है। किया वो कर्नाटक वाले, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तुम तो कहीं जो हिंदी बोलता था कर लेते थे। जिसको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है उसको लपेट देते हो तुम लोग। क्या आदमी हो यार तुम लोग, अलग अलग भाषा सीखे हुए लोगों को रखते हो। मतलब सचमुच ये भारतीय है, एक राज्य को नहीं छोड़ा। तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक, इधर असम से लेके गुजरात तक, हर जगह ठगी की है इन लोगों ने। चलो थोड़ी हमारे जेल से शुरुआत करो, फिर बाकी जेल घूमना। बहुत बड़े मॉड्यूल को तोड़ा गया है जो कि फ्रेंचाइजी के नाम पे पैसा लिया करते थे। वो वेबसाइट को रिजम्बल करते हुए वेबसाइट बनाते थे, लेटर ऑफ इंटेंट देते थे, लेटर ऑफ पार्टनरशिप देते थे, फ्रेंचाइजी के कागज़ भेजा करते थे, और महीनों तक लंबी इनकी ठगी का चलते रहता था। व्यक्ति को पता नहीं चलता था। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को इन्होंने, जो ईटिंग ब्रांड्स हैं आपके KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पतंजलि, जितने मोटर्स के, किया मोटर्स, अपोलो टायर्स, ह्यूंडई, बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी के नाम पे हल्दीराम, ये लोग 50 से 60 लाख तक की उगाही एक ब्रांच खोलने के नाम पे कर लिया करते थे। ऐसी एक शिकायत हमें सुपेला में मिली थी। सुपेला में मिली थी, जहाँ पे इन्होंने 9.5 लाख रुपये झांसा दे के इन्होंने ले लिया। बिहार नवादा जाके साइबर की टीम प्रभात कुमार IPS के कोऑर्डिनेशन में और इनके नेतृत्व में वहाँ टीम गई। वहाँ पे करीब 2 हफ्ते रुके, और वहाँ पर इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड वाले हैं कि गांव में उनका इतना दबदबा है कि खाली हाथ जाना तक संभव नहीं होता है। पुलिस लगातार इंतज़ार करती रही और उनको फिर अपने जो इंटरनेट के सारे स्किल्स, IPDR सब देख के, फ़ोन डिटेल्स के आधार पे लगातार उनको फॉलो करने के बाद इनको पकड़ा गया। इन्होंने GoDaddy वेब होस्टिंग साइट है उसका उपयोग करके 250 से ज़्यादा कंपनियों का फेक वेब पेज बनाया। हो सकते हैं फेक वेब पेज इन्होंने 250 कंपनियों से ज़्यादा का बनाया। ये लोग छत्तीसगढ़ के अलावा 17 राज्यों में धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। ठगी के लिए ये लोग बहुत ही हाईफाई, हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। कंपनी का लोगो, कंपनी का जितने चीज़ें हैं सबको ये कॉपी करके हूबहू वेबसाइट बना लेते थे। इन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को ठगी करने में सफल हुए हैं। कोशिश तो इन्होंने हज़ारों की है, 100 से ज़्यादा लोग इनके गिरफ्त में आ गए। प्रारंभिक जानकारी है कि 5 करोड़ से ज़्यादा ठगी ये पिछले 1 साल में कर चुके हैं। इनके पास से 16 नग विभिन्न कंपनियों के कीपैड एंड्रॉयड मोबाइल, 1 नग टैबलेट, 1 नग लैपटॉप, 3 नग ATM, 1 नग पैन कार्ड, आधार कार्ड, 5 बैंक खातों की जमा पर्ची जो है वो रिकवर की गई है। 4,67,150 रुपये जो हैं वो आप देख सकते हैं सामने, वो बरामद किए गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा रुपये जो है होल्ड कराए गए हैं इनके अकाउंट में, करीब 12 लाख के करीब। जो साइबर ठगी के 2 आरोपी हैं, पिता पुत्र जो है, उनको नवादा से गिरफ्तार किया गया है। जो दो भाई चोरों पर छूट पड़ा तो पिता पुत्र की जोड़ी है। फरार आरोपी और अन्य सहयोगियों की पतासाजी की जा रही है। 50 से ज़्यादा अभियुक्त हो सकते हैं। लगातार अभी दूसरी टीमें फिर भेजी जाएंगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। ACCU और थाना सुपेला की संयुक्त कार्रवाई हुई है।